जामुन का पेड़। रात को बहुत जोर का जक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर पड़ा। जब सुबह हुई तो माली आया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चौकीदार के पास गया। चौकी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में पेड़ के नीचे दबे आदमी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, इसके जामुन कितनी रसीली होती थी। मैं इसके जामुन झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे कितनी खुशी से इसके जामुन खाते थे। लेकिन ये आदमी, इसका क्या होगा? हाँ, ये आदमी, ऐसा बोल सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो कैसे बच सकता है। आह, मैं अभी जिंदा हूं। आह, क्या जिंदा है? पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। तभी वहां खड़ा एक सुस्त कामचोर चपरासी बोला, इसे बाहर निकालना नामुमकिन है। पेड़ का तना बहुत बड़ा और भारी है। क्या मुश्किल है, अगर सुपरिटेंडेंट आदेश दे तो अभी सब मिलकर 15-20 आदमी पेड़ को हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, माली ठीक कह रहा है, हम सब तैयार हैं, इसे मिलकर निकाल लेते हैं। रुको, पहले मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। और चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से, और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। ऐसे ही फाइलें चलती गई और इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कब तक इनके आदेश का इंतजार करते रहेंगे? हम सब मिलकर इस आदमी को निकाल लेते हैं। हाँ हाँ, हम सब मिलकर निकाल देते हैं। तभी सुपरिटेंडेंट भागा भागा हाथ में फाइल लेकर वहां आता है। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं निकाल सकते, हम लोग व्यापार विभाग से हैं और ये पेड़ की समस्या कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। ये पढ़ते ही व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत लिखा कि पेड़ों को हटाने या ना हटाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइलें ऐसे ही चलती रही। शाम को जवाब आया, क्योंकि ये एक फलदार पेड़ है तो इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। रात का समय हो गया। माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि वहां चारों ओर कानून का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश ना करें और उस पेड़ को खुद से ना हटा दें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दाल चावल खिलाने की इजाजत दे दी। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता। अच्छा हुआ पेड़ का तना तुम्हारी टांग पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती। अच्छा, यहाँ तुम्हारा कोई वारिस है तो मुझे उनका पता बता दो, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई नहीं है। माली तुरंत वहां से हट गया। तीसरे दिन से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया।
आश्चर्य है कि इस समय हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं और आप हमसे पेड़ कटवाने की मांग कर रहे हैं। माफ कीजिए, हम इस फलदार पेड़ को हटाने की इजाजत नहीं दे सकते। भीड़ में खड़े लोगों में से एक मनचले ने कहा, अरे पेड़ नहीं कटवा सकते तो आदमी को काटकर बाहर निकाल लो, पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। अरे ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। अरे भैया आप नहीं जानते, आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर रही है, अगर तुम्हें काट कर निकाल लिया तो तुम्हें फिर से जोड़ दिया जाएगा। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया और फौरन एक्शन लिया और दूसरे ही दिन उनके विभाग का एक योग्य प्लास्टिक सर्जरी करने वाला डॉक्टर वहाँ भेजा गया। डॉक्टर ने दबे हुए आदमी की जाँच की और एक रिपोर्ट बना के भेज दी। इस आदमी की प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है और ऑपरेशन सफल भी होगा, लेकिन ये आदमी मर जाएगा, इसलिए फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को पानी पिलाते हुए कहा, अब ये मामला ऊपर तक चला गया है, सुना है कल सबकी मीटिंग होगी जिसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी धीमे से आह भरकर बोलता है, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या तुम शायर हो? आह आह हाँ। दूसरे ही दिन ये बात सब में फैल गई। बस फिर क्या था, अब लोगों का झुंड शायर को देखने आ गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूरे शहर में खबर फैल गई और लॉन में न जाने कहां कहां से लोग आ गए और कुछ लोग तो अपनी कविताएं वहां सुनाने लगे। क्योंकि ये दबा हुआ आदमी एक कवि है तो इसका संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है, कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया जाए और जल्द से जल्द मामले का फैसला करके इस अभागे कवि को इस फलदार जामुन के पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के कई विभाग से होती हुई साहित्य विभाग तक पहुंची। वहां का सेक्रेटरी जल्दी से अपनी गाड़ी में व्यापार विभाग के लॉन में पहुंचा और पेड़ के नीचे दबे आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। क्या तुम कवि हो? हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओह, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? ये तो बहुत बुरी बात है, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक हमारी एकेडमी का मेंबर नहीं है और यहाँ अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। मुझे यहाँ से निकालो। हाँ हाँ, अभी बंदोबस्त करता हूँ। वह फौरन अपने विभाग में रिपोर्ट करता है। अगले दिन वही आदमी भागा भागा कवि के पास आता है। लो भाई, मुंह मीठा करो, हमारी साहित्य अकेडमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो अपना चुनाव पत्र। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। उसकी आंखों में बहुत दर्द था। ये हम नहीं कर सकते, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, और वैसे भी हमारा विभाग तो कलम दवात का है और पेड़ काटने का काम तो आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खत लिख दिया है। रात को माली दबे हुए आदमी से बोलता है, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर ये पेड़ काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था और पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। बस तुम्हें कल तक कैसे भी करके अपने आप को जिंदा रखना है, कल वो लोग तुम्हें आकर बचा लेंगे। अगले दिन सुपरिटेंडेंट भागा भागा आया और पेड़ के नीचे दबे आदमी से बोला, अरे सुनते हो, ये पेड़ काटने की इजाजत मिल गई है, कुछ ही देर में इस पेड़ को काटने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है और अब तुम इस पेड़ से छुटकारा पालोगे। मगर कवि के हाथ ठंडे थे और आंखों की पुतलियां निर्जीव थी
और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। कवि की जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। चल चल हुर, हुर। आज मैं तुम्हें जंगल की दूसरी ओर ले जाऊंगा। वहाँ बहुत सारी हरी हरी घास है, उसे खाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। लगता है ये भोला फिर से बकरियों को लेकर चला गया। दवाई लाने को बोला था, पता नहीं लाया कि नहीं। सुमन घर के अंदर जाती है तो दवाई की पुड़िया सामने पड़ी थी। हाँ, दवाई तो ले आया है, जल्दी से इनको दे देती हूँ। भोला सुबह सुबह अपनी बकरियों को जंगल में चराने ले जाता था और शाम को आकर अपने खेत में काम करता था। उसने खेतों में बहुत सारी सब्जियां उगाई थी। आज फिर भूखा ही बकरियों को लेकर चला गया। अब हमारी ये सब्जियां बेचने लायक होने वाली हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। रात की जो बची रोटी थी वो गोपाल को देती है। ये लीजिए, आप खाना खा लो, फिर दवाई खानी है। तुम अपने लिए भी कुछ ले आओ, और भोला कहाँ है उसको बोलो, वो भी खाना खा लेगा। अरे आप खाना खा लो, हम माँ बेटे बाद में खाना खा लेंगे, अभी वो बकरियां चराने गया है। भगवान ना तो ठीक कर रहा है और ना ही मुझे अपने पास बुला रहा है, तुम दोनों के ऊपर बोझ बन गया हूँ मैं। तभी बाहर से आवाज आती है, गोपाल कहाँ है, बाहर निकल। आवाज सुनकर गोपाल की पत्नी बाहर आती है। बुढ़िया, तुम्हें कितनी बार बोला कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो बूढ़ा मरा नहीं अभी तक। सेठ जी, अभी थोड़ा हाथ तंग है, हम जल्द ही आपके सारे पैसे चुका देंगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, जाओ इनका सारा सामान बाहर फेंक दो। गोपाल भी धीरे धीरे बाहर आता है। अरे सेठ जी, आप तू मेरे पैसे लेकर खुद चारपाई पे बैठकर यहाँ आराम कर रहा है, पैसे तेरे बाप ने देने थे। तभी सेठ के आदमी घर के अंदर जाते हैं और सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। गोपाल और उसकी पत्नी सेठ के पैर पकड़ते हैं। सेठ जी, हमें थोड़ी और मोहलत दे दो, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हम कहाँ जाएंगे सेठ जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। गांव के सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन सेठ के खिलाफ कोई नहीं बोलता। सेठ गोपाल को पैर से मारता है और गोपाल जमीन पर गिर जाता है। अरे आप ठीक तो हो ना? गोपाल के सिर से खून निकल रहा था। ये सारे खेत साफ कर दो। सेठ जी ऐसा मत करो, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से सब्जियां उगाई है, कुछ ही दिनों में इसमें सब्जियां आने वाली है। सेठ के आदमी खेत की सारी फसल उजाड़ देते हैं। दोपहर को जब भोला घर आता है तो घर की ऐसी हालत देखकर वो हैरान हो जाता है। ये क्या है, सब सामान बाहर क्यों बिखरा है माँ? ये सब क्या है? पिताजी क्या हुआ आपको? ये खून, ये सब क्या हुआ? बेटा वो सेठ और सेठ के आदमी यहाँ आए थे, उन्होंने सारा सामान बाहर फेंक दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? भोला की माँ सारी बात भोला को बताती है। ये सुनकर भोला की आंखों में पानी आ जाता है। माँ, पिताजी आप रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ अब तभी आएंगे जब हम सेठ के सारे पैसे चुका देंगे, आप लोग मेरे साथ चलो। भोला अपने पिताजी और माँ के साथ कुछ जरूरत का सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और अपनी बकरियों को भी अपने साथ ले चलता है। रास्ते में माँ, पिताजी बस थोड़ी देर और चलना है, आपको पता है यहाँ जंगल के उस पार एक झोपड़ी है, मैं कई बार बकरियों को चराने इस तरफ आया हूँ, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम वहीं जाकर रहेंगे। जंगल में गोपाल अपनी बकरियों को चराने जाता था तो उसने कई बार जंगल में वो पुरानी झोपड़ी देखी थी और कई बार वो वहाँ बैठकर आराम भी किया करता था। बहुत चलने के बाद भोला अपने माँ पिता के साथ उस झोपड़ी के पास पहुँच जाता है। माँ अब यही हमारा नया घर है, यहाँ कोई नहीं आता,
ये झोपड़ी बहुत पुरानी है, मैं यहाँ कई बार आया हूँ। भोला जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाकर जमीन पर एक कपड़ा बिछाता है। पिताजी आप यहाँ आराम करो, आप बहुत थक गए होंगे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और गोपाल वहाँ उन्हें ले जाता है। बेटा आज हम क्या खाएंगे, ये कुछ आटा मैं साथ लेकर आई थी। माँ आप रोटी बनाओ, मैं आसपास कुछ देखता हूँ। तभी भोला देखता है कि उसी घर के पीछे एक पेड़ था जिस पर हरी हरी दो लौकी लगी थी। अरे वाह यहाँ तो लौकी लगी है। माँ आज की सब्जी का इंतजाम हो गया है, तू बस जल्दी से आग जला दे। और भोला बेल पर लटकी लौकी को बेल से उतारता है और उसे अपनी माँ को देता है। उसकी माँ उस लौकी को काटती है और उसकी सब्जी बनाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं, फिर वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गोपाल जल्दी उठकर बाहर घूम रहा था। अरे भोला सुमन तुम दोनों जल्दी उठो और यहाँ देखो। भोला और उसकी माँ गोपाल की आवाज़ सुनकर उठते हैं। सुमन अपने पति को एकदम ठीक घूमते हुए देखकर हैरान हो जाती है। अरे आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ पिताजी आप तो एकदम ठीक लग रहे हो, जैसे आपको कुछ हुआ ही ना हो। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे साथ जल्दी बाहर चलो, देखो बाहर क्या है। सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि घर के पीछे जो पेड़ था वो पूरा लौकी से भरा पड़ा था। अरे ये कैसे संभव हो सकता है, कल तो यहाँ सिर्फ दो लौकी थी जो मैंने तोड़ ली थी, आज ये पूरा पेड़ लौकियों से कैसे भरा है। इतनी लौकी तो मैंने कभी नहीं देखी, ये लौकी की बेल तो पूरे पेड़ पर फैली हुई है। ये तो बहुत अद्भुत लौकी है माँ, जो कि एक ही दिन में पूरा पेड़ लौकियों से भर गया, ऐसी चीजें तो जादुई ही हो सकती हैं। उस दिन गोपाल और भोला उस पेड़ से बहुत सारी लौकियाँ तोड़ते हैं और उन्हें जंगल के दूसरे पार बाजार में बेच कर आते हैं, उसके बदले उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अगले दिन सुबह वो पेड़ फिर से लौकियों से भरा पड़ा था। सच में ये कोई साधारण लौकी नहीं बल्कि कोई जादुई लौकी है जो एक ही दिन में इतनी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो पिताजी, मुझे तो लगता है हमें यहाँ भगवान ही लेकर आए हैं। देखो ना यहाँ आते ही आप बिल्कुल ठीक हो गए हो और यहाँ हमें इतनी सारी लौकियाँ भी मिल गई जिन्हें बेचकर हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और देखो हमारी बकरियाँ भी यहाँ कितनी खुश हैं, हर रोज हरी हरी घास इनको खाने को मिल जाती है। तभी भोला के पिता गोपाल को कुछ याद आता। मुझे लगता है ये वही झोपड़ी है जिसके बारे में हमारी माँ हमें कहानियाँ सुनाती थी। कहानियाँ, कौन सी कहानियाँ पिताजी? मैंने तो कोई कहानी नहीं सुनी। माँ बताती थी कि जंगल के दूसरे पार कोई साधु शिव भगवान की भक्ति करता था, उसे किसी ने यहाँ देख लिया था, लेकिन उसके बाद सब लोग मिलकर वहाँ गए तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा माना जाता है कि वो उस आदमी के देखते ही वहाँ से गायब हो गया था। अच्छा तो ये झोपड़ी उसने बनाई होगी, और क्या पता ये लौकी भी उसी की शक्तियों से उगी हो। उन सबको वहाँ रहते हुए कुछ महीने बीत गए थे। कुछ ही समय में भोला अपने सारे पैसे चुका देता है और अपनी जमीन और सेठ से घर को वापस ले लेता है। माँ पिताजी हमें हमारी जमीन और घर वापस मिल गया है, मैंने सेठ के सारे पैसे लौटा दिए हैं। भगवान इस लौकी की बेल की वजह से ही ये सब हो पाया है, अगर ये बेल नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तभी बेल से आवाज आती है। जो अच्छे लोग होते हैं मैं उनकी मदद करती हूँ, ये लो मेरे कुछ बीज ले जाओ और अपने खेतों में बो देना, देखना फिर सब ठीक हो जाएगा। भोला अपने माँ पिता और बकरियों के साथ अपने घर चला जाता है और अपनी जमीन पर उस लौकी के बीजों को बो देता है। कुछ ही दिनों में वहाँ बहुत सारी लौकियाँ उगती हैं।
ये बात सारे गांव में फैल जाती है। दूर दूर के गांव से लोग उनसे लौकी खरीदने आते थे। ये बात सेठ को रास नहीं आती। ये दो कौड़ी का किसान मुझसे घर जमीन सब लेकर लौकियां उगा रहा है, इसे तो मैं बताता हूँ। रात के अंधेरे में सेठ अपने आदमियों के साथ जाता है और देखता है कि खेत लौकियों से भरा पड़ा था। एक भी लौकी छूटनी नहीं चाहिए, सब लौकियां तोड़ दो और सारी बेलें उखाड़ दो। जैसे ही सेठ के आदमी खेत में जाने लगते हैं, तो लौकी की बेलें पूरी जमीन पर फैल जाती हैं और सब बेलों में फंसकर गिर जाते हैं। अरे कमबख्तो, यहाँ आकर तुम लेट क्यों रहे हो? जैसे ही वो लोग उठने की कोशिश करते हैं, फिर से लौकी की बेल में उलझ जाते हैं। सेठ खुद खेत में जाता है तो वो भी बेलों में फंसकर गिर जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ये बेलें उठने क्यों नहीं दे रही? तभी सामने से बड़ी बड़ी गायों का झुंड उनकी तरफ आने लगता है। अरे गाय आ रही है, अरे कोई मुझे बाहर खींचो, मुझे बचाओ। सेठ के आदमी कैसे भी करके खुद खेत से बाहर निकल जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो, मुझे बचाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम नमक हरामों को। सेठ कैसे भी करके उन लौकी की बेलों से खुद को छुड़ाता है और गाय से डरता हुआ अपने घर भाग जाता है। भगवान, आज तूने मुझे बचा लिया, आज के बाद मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। अब भोला लौकी बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और अब लोग मदद के लिए सेठ के पास नहीं जाते थे, बल्कि गोपाल के घर जाया करते थे और गोपाल और भोला सबकी मदद किया करते थे।